नमस्कार, मैं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। ये बुलेटिन खासकर उन लोगों के लिए है जो जरूरत में है, जो जरूरतमंद हैं, यानी जिनको पैसों की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा कर्ज की जरूरत में है, या फिर बहुत तरीके से वो उनको जरूरतें पैसों की हैं और उनको वो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से लोन मिल जाए या फिर कहीं से उधारी मिल जाए तो कहीं से कुछ उनका इंतजाम हो जाए। तो आपको बता दें कि आपने देखा होगा आपके मोबाइल पे, आपके फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यानी तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पे आपने देखा होगा कि तमाम लोन के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। लोन के लिए लोग प्रलोभन देते हैं, आपको कम ब्याज दर है, आपको तुरंत लोन मिल जाएगा, आपने जैसे ही क्लिक किया वैसे पैसा क्रेडिट हो जाएगा। और एक्चुअल में होता क्या है वो आप सबको मालूम है। ऐसे में लोगों के पास, आधे से ज्यादा लोगों के पास तो ये जानकारी नहीं कि सही क्या और गलत क्या है, और जो जानकार है उनको पता नहीं कि इसको ऑपरेट कैसे किया जाए, किस तरीके से सही तरीका होता है। अब इसमें एक चीज जोड़ना जरूरी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने हमेशा, और RBI से जुड़ी जितने भी बैंक्स हैं, यानी जो बैंकिंग कर रहे हैं वो RBI गाइडलाइन के तहत है, तो उन्होंने भी समय समय पे हमेशा आपको एक ही चीज जरूर बोला है कि कभी भी आपका OTP, CVV पिन या ये सब चीजें शेयर ना करें। अब ये मैं बातें कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको जानकारी के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, ये खबर लेकर आया हूँ। आपको बता दें ये इसमें एक बहुत बड़ा स्टोरी है आगे, जो उसको मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और ये स्टोरी हाल फिलहाल एक दो दिन की ही है, पिछले दो तीन दिनों में घटित हुई ये घटनाएं हैं। और नॉर्मली आजकल जो है वसई विरार पालघर मुंबई के आसपास का जो इलाका है वहाँ के लोगों को कुछ नए नए तरीके से धोखेबाजी करने के नए नए फंडे अपनाते हुए जो जालसाज हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा फेसबुक पे आपके ID का सेम ID बना के और आपके दोस्तों से, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट से पैसे मांगे जाते हैं। वो आपके ID को सॉफ्ट टारगेट करते हैं, और म्यूचुअल फ्रेंड्स जो भी होते हैं उनको बताते हैं कि मैं फला व्यक्ति हूँ, यानी आप हैं, और आपके दोस्तों से आपके पैसे मांगे जाते हैं, वो भी कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 5,000। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि दोस्त ट्रस्ट कर लेता है कोई कोई, और फिर दोस्त परेशानी में है तो पैसे भेज देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये फेक अकाउंट। पहले आपने देखा था कि फेसबुक पे अकाउंट लोग बनाते नहीं थे, पहले हैक करते थे, लेकिन बाद में जब सिक्योरिटी बढ़ गई, फेसबुक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 2-way ऑथेंटिकेशन OTP का जो एक फॉर्मूला ला दिया, उसके बाद अब क्या करते हैं कि हूबहू आपके यहाँ से प्रोफाइल फोटो निकालेंगे और उन फोटोज को जमा करके आपके प्राइवेट फोटोज, आपकी फैमिली फोटोज जो भी हैं वो सारे निकाल के नई ID क्रिएट करते हैं, और उसके बाद आपके दोस्तों से पैसे मांगे जाते हैं। ये बहुत आम है। दूसरी चीज आपने देखा होगा फेसबुक पे कि आपने 25 लाख की लॉटरी लग गई है, अब लॉटरी का 25 लाख आपको देने के लिए आदमी ढूंढ रहा है, बहुत परेशान है, आपको मैसेज डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है, और आपको वो स्लिप्स वगैरह बना के दे रहा है कि बस KVC कौन बनेगा करोड़पति में, 25 लाख आपका पड़ा हुआ है, आप ले जाओ किसी तरीके से, आपको ढूंढ के थक गया हुआ आदमी। और तरीका क्या होता है कि वो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करता है और एक नया नंबर देता है, और उस पर कहा जाता है कि आप सिर्फ व्हाट्सएप कॉल करिए। तो व्हाट्सएप कॉल के द्वारा तमाम सारी चीजों से वो अपने आप को बचाता है, पुलिस से या जो कानूनन है कार्रवाई होने के चांसेस होते हैं उससे बचते हुए आपको लूटता है। और तीसरा तरीका ये हो गया है कि आजकल अननोन नंबर से कॉल आता है, और जैसे आप कॉल उठाओ तो सामने कोई महिला के वेश में आदमी कपड़े उतार के और गंदी हरकतें करते हुए आपके साथ वो वीडियो कॉल जोड़ता है, और बाद में आपके मोबाइल से एक्सेस किए गए, उसके द्वारा किए गए जो नंबर्स रहते हैं उस नंबर्स के माध्यम से वो आपके फ्रेंड लिस्ट और तमाम सारी जगहों पे आपके मॉर्फ जो है, यानी जो एडिटेड वीडियो फोटोज हैं वो भेजना शुरू करता है। आपको बता दें मुंबई ही नहीं पूरे देश में इस समय साइबर क्राइम की बाढ़ आई हुई है, लोन के नाम पे, लोन देने के नाम पे, और इस तरीके से बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। हम आपको बता दें ये जो घटना है मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की परिधि में, आप देखेंगे तो इस समय बंडल है कंप्लेंट्स की। तो ऐसी एक कंप्लेंट थी कि एक आदमी ने कहा कि भाई मैंने एक लोन लिया था, उससे मैंने, उदाहरण के लिए अमाउंट तो फिक्स नहीं है, 1500 रुपये लिया था और मुझे 3000 देने के बाद भी वापस से 1600 रुपये का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, मैसेजेस में बहुत सारी गंदी बातें बोली जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं, फ़ोन पे धमकियां दी जा रही हैं कि आप पैसा दो। तो ये जो घटना है ये मीरा भाईंदर की है, और मीरा भाईंदर में जिस आदमी के साथ ये घटना हुई उसने देखा कि ये जो जालसाज है लोन के नाम पे, उन्होंने 1500 लिया, 3000 रिटर्न किया, फिर 1500 फिर से रिटर्न किया, तो 1500 लेके 4500 रिटर्न करने के बाद भी वो लगातार पैसों की डिमांड बढ़ती जा रही थी उसकी। तो उन्होंने जाके पुलिस कंप्लेंट की और पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई भी शुरू कर दी।
अब इस कार्रवाई में वसई नाला सोपारा से रहने वाले 5 लोग पकड़े गए हैं। ये 5 लोग क्या करते थे, पुलिस ने बताया इस मामले में कि एक ऐप का नाम है रूपी टाइगर ऐप। आप देखेंगे तो रूपी टाइगर ऐप जो है वो आपको दिखेगा, कभी कभी यूट्यूब पे भी दिखता है। रूपी टाइगर ऐप एक्चुअली 50-60 नाम, अलग अलग नामों से, कहीं एक्सटेंशन में कहीं एक शब्द बढ़ा के कभी कम करके, लेकिन रूपी टाइगर ऐप के नाम से ये फेमस है और तमाम सारी जगहों पे आपको सोशल मीडिया पर उसका ऐड भी दिखेगा। इवन आपको मैसेजेस भी उसके कभी आ सकते हैं अगर जालसाज आपके कॉन्टेक्ट तक पहुंचे हैं तो। इसमें ऐसा ये लोग करते थे कि वो रूपी टाइगर ऐप का काम आपको, वो पहले ऐप डाउनलोड करते हैं बोलते हैं और उसके बाद जब आपको परमिशन मांगी जाती है, ये चीज़ समझना जरूरी है कि जब आपसे वो ऐप परमिशन मांगता है तो परमिशन में साफ साफ वो लिखता है कि आपका सभी डेटा हम रीड करेंगे, सभी डेटा अपने पास सेव करेंगे और जरूरत पड़ी तो डेटा थर्ड पार्टी को शेयर भी करेंगे। इस तरीके जो फ्रॉडुलेंट होते हैं, देखिए दो तरीके की परमिशन होती है। आपने देखा होगा कि जैसे आपने गूगल फोटोज डाउनलोड किया तो गूगल भी परमिशन मांगता है, बट उसमें कंडीशन नहीं होती कि वो तीसरे चौथे आदमी को भी भेजता है ऐसा कुछ। गूगल में या बड़ी जो हमारी अप्रूव गवर्नमेंट अप्रूव साइट्स हैं या वेबसाइट या ऐप हैं वो ऐसा नहीं करते, लेकिन ये जो फ्रॉड ऐप हैं जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं उनको जो है उनकी तरफ से ये प्रलोभन दिया जाता है और आप उससे लालच में डाउनलोड करते हैं। उनको मालूम है कि आपको डाउनलोड करना ही है इसलिए आप परमिशन देते जाते हैं और जब आप ये परमिशन देते हैं उसी समय आपका काम खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके मोबाइल में जो भी चीज़ है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे आपका पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट है या जो भी कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर अब उन जालसाजों के पास पहुंच चुके हैं। यानी आपको ब्लैकमेल करने का उनके पास पूरा आंकड़ा पूरा डेटा आ चुका है और जरूरत पड़ने पर जिस चाहे से आपसे जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन भी हुई वो पीड़ित के साथ जो मीरा भाईंदर में जाके और उन्होंने आयुक्तालय में जाके और साइबर पुलिस को ये मामला रजिस्टर कराया। अब आपको बता दें ये जो मामला है इस रजिस्टर हुआ है इसमें जो नाम आए हैं, जो आरोपियों के नाम आए हैं इसमें है, इसका नाम है दीपक कृपाशंकर मिश्रा जिसकी उम्र है 27 साल और ये काम करता है स्काईलाइन इंटरनेशनल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट नाम से कंपनी बना के और ये रहता है 111 बी विंग बलदेव अपार्टमेंट साई नगर वसई पश्चिम पालघर, ये वसई पश्चिम का रहने वाला है। दूसरा जो आरोपी पकड़ा गया है उसका नाम है बिल्वर राल्फ शर्मा, इसकी उम्र है 33 साल और ये A15 तीसरा माला रोजमेरी बिल्डिंग बीच कॉम्प्लेक्स नायगांव वसई पश्चिम में रहता है। और जो तीसरा है वो मनोज विदेशी शर्मा इसकी उम्र है 33 साल और चौथी जो है वो महिला आरोपी है जिसकी उम्र 21 साल है, गोकुलधाम सोसा मीनानगर में रहती है, ये गोकुलधाम सोसाइटी मीनानगर में वसई पश्चिम में रहती है। और इसके अलावा पांचवा जो नाम आया है और रोशन जो पांचवा आरोपी है रोशन पीटर डिसूजा, इसकी उम्र है 27 साल, ये रहता है E1 न्यू अनुराधा सोसाइटी आमंत्रण बार के सामने राधानगर नाला सोपारा पूर्व। और इन सब के पास से पुलिस ने अपनी जो जांच है करते हुए इन्होंने 384/420/34/504/506 ITA 66D के अंतर्गत गुना दाखिल किया है और उसके तहत जांच जारी है। तो ये एक तरीके का जो फ्रॉड गैंग है, आपने देखा होगा ये तो बस शुरुआत है ऐसी। अब इसमें एक चीज़ देखा गया है कि जल्दी जल्दी इसमें चीज़ें एक्टिव होकर पुलिस इसमें कार्रवाइयां कर रही है। दूसरा यूनिट दूसरा ग्रुप है जो पकड़ा गया है, फ्रॉडुलेंट जो ग्रुप्स हैं। तो आपको हम आपको एक सजेशन देते हैं कि रूपी टाइगर जो ऐप है वो लोन ऐप है और ऐसे ही छद्म जो है फ्रॉड ऐप्स एक नहीं हजारों ऐप्स अवेलेबल हैं। अभी हाल ही में RBI ने लगभग 100 से ज़्यादा एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर से हटाए हैं, लेकिन ये करते जालसाज करते क्या है कि ये जैसे ही हटाए जाते हैं दूसरे नाम से फिर से वो आ जाते हैं, मतलब अगली आइडेंटिटी अपनी बदल लेते हैं और फिर से। तो तब तक RBI को जब तक पता चलता है या जब तक रिपोर्ट होती है तब तक ये लाखों लोगों को लूट चुके होते हैं। तो आपको बता दें कि कोई भी प्रोमोशन, कोई भी कि भाई आपको 500 रुपये की लॉटरी लगी है या फिर आपको फ़ोन पे पे मैसेज आया है 5000 रुपये का आपका प्रोमो है, ऐसा कुछ भी आपको बोलेंगे तो ऐसी चीज़ों पे विश्वास मत करिए। अगर कुछ कोई फ्री कर रहा है तो फ्री पे तो बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। तो ये वसई विरार में रहने वाले लोग आपके आसपास में रह के आपको आसपास के लोगों को ही लूट रहे थे और इसका खुलासा पुलिस ने किया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये जो खबर है ये उन लोगों के लिए है जो ज़रूरत में है, लेकिन एक चीज़ बता दें आपके लिए शाखाएं खुली हैं, बैंक्स खुले हैं, आपके लिए तमाम सारे ऑप्शंस हैं। ऑनलाइन चीज़ों में मत जाइए, जो चीज़ें आपको दिखती नहीं हैं
उन चीजों पे विश्वास बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये सारे के सारे 90% फ्रॉड हैं। इतना ये मान के चलिए, हमने 90% बोला इसलिए कि आपको ये जानकारी हो कि आप जिन चीजों को ऑनलाइन एक्सेस करके और पैसे निकाल रहे हैं, अगर आपने 1000 निकाला है तो आपसे 2000 लेके ही वो मानने वाले हैं जिस भी तरीके से, क्योंकि आपका आंकड़ा ऑलरेडी शेयर हो चुका है। तो हमारे साथ जो भी दर्शक जुड़े हैं, अनुरोध करता हूं कि आपको अगर जानकारी है कि इस तरीके का कोई फेक ऐप या वेबसाइट या और भी तरीके किस तरीके से लोगों के साथ धोखेबाजी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, ऐसा कोई भी आपको ऐप जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपसे एक चीज जानकारी चाहिए कि अगर आप फ्रॉड से बचना चाह रहे हैं तो खुद का बचाव कैसे करते हैं या क्या सावधानियां बरतते हैं, इससे संबंधित अगर आपके पास कोई टिप्स हो तो आप कमेंट में जरूर दीजिएगा।